बजट कार्स की बात की जाए और मात अगर हम मारुति सुजुकी की ना करें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इंडिया के अंदर बजट कार बनाने में पहला नंबर मारुति सुजुकी का आता है, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मारुति की एस्प्रेसो और जानेंगे इसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है और बाकी सभी बातें क्या इसमें फीचर आते हैं सभी बातें आपको बताएंगे इसके अंदर। तो खमा गणी देवी और सज्जनों, मेरा नाम है श्याम चौहान, आप देख रहे हैं इसके कार वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम चाबी से। चाबी है इसकी कुछ ऐसी जो कि वही नॉर्मल की जो मारुति सुजुकी हमेशा देता है। शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। डिज़ाइन लैंग्वेज की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक एक मतलब एक स्कॉर्पियो जैसी इसमें फील आती है, मिनी स्कॉर्पियो भी आप इसे बोल सकते हो। हेडलाइट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलाइट दी जाती है जो कि लो बीम और हाई बीम का यही काम करती है। हेलोजन ही आपको इंडिकेटर दिए जाते हैं। फॉग लैंप आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का फॉग लैंप नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसकी प्लेसिंग दी जाता है, आप चाहे तो उसमें अलग से लगवा सकते हैं। यह आपको टॉप मॉडल में क्रोम में दिया जाता है क्योंकि ये सेकंड टॉप है तो VXI है, VXI प्लस नहीं है तो इसमें आपको क्रोम में नहीं मिलता, मैट फिनिश में मिलता है। ये आपको मारुति का लोगो मिलता है। इसी के नीचे आपको वेंट्स भी दिए जाते हैं जो कि एसी वेंट है या आपको कूलिंग सिस्टम के लिए जो भी वेंट दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। टोयुंग की जो यहाँ पर दी जाती है टोयुंग के लिए, और बाकी जो इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक SUV बनाया गया है ताकि आपको लगे कि आप एक SUV ला रहे हो। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी हद तक आपको अल्टो में थोड़ी बहुत मैच होती सी दिखेगी, थोड़ी मिक्स होती दिखेगी। और टायर साइज़ की बात की जाए, तो आपको इसमें 14 इंच के टायर मिलते हैं जो कि स्टील व्हील हैं, आपको इसमें किसी भी प्रकार के अलॉय व्हील नहीं दिए जाते हैं। ओआरबीएम की बात की जाए तो ओआरबीएम आपको इसमें मैट फिनिश में मिलते हैं और मैनुअल एडजस्टेबल है, अंदर से ऑटोमेटिक नहीं है, ना किसी भी प्रकार की आपको जैसे फंक्शन दिए जाते हैं। अब बात करें इसके पीछे की प्रोफाइल की तो ये है इसकी कुछ पीछे की प्रोफाइल। पीछे की प्रोफाइल में आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ये आपको यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट मिलता है, यहाँ पे आपको एक टोइंग हुक मिलता है, और ये इसकी बैक लाइट है जिसमें आपको ये तो आपको बैक लाइट मिलती है, ये आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर दिया गया है, और ये यहाँ पर आपको हेलोजन में इंडिकेटर दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको सेंसर नहीं दिया गया है बूट खोलने के लिए, आपको यहाँ पर चाबी लगानी पड़ेगी। और ये आपको मारुति का लोगो मिलता है। यहाँ पर एस्प्रेसो की बेजिंग मिलती है और यहाँ पर आपको एक बैक लाइट और दी गई है जो कि यह इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। किसी भी प्रकार का आपको डिफोगर या वाइपर आपके इसके अंदर नहीं मिलता है। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है जो कि मिलता है 240 लीटर का, जो कि देखते हैं चाबी से ही खुलेगा, आपके अंदर किसी भी प्रकार का बटन या सेंसर नहीं दिया गया है। दोनों तरफ आपको हाइड्रोलिक स्टड्स दिए जाते हैं जिससे आपका जो बूट है उसे खोलने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। 240 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। और बूट की बात की जाए तो अच्छी तरीके से कवरिंग है, किसी भी प्रकार से ये आपको ओपन नहीं मिलता है दोनों ही तरफ से, या किसी भी प्रकार से आप देख सकते हो। इसके ही नीचे आपको मिलता है इसका स्पेयर व्हील या आपकी कुछ इसकी एक्सेसरीज है जो आपको मिलती है। ये जो है ना पूरी तरीके से वेल्ड कवर दिया गया है और ये इसकी वायर वगैरह के लिए जगह दी गई है। अब बात करते हैं इसके रियर सीट की। चलिए रियर सीट की तरफ चलते हैं। रियर सीट की बात की जाए तो ये इसका डोर है जो कि जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर नहीं मिलता इसके अंदर, वो आपको मैट फिनिश के अंदर दिया गया है। डोर की ओपनिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुल जाता है, ऑलमोस्ट नॉट अ 90 डिग्री बट ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुल जाता है। किसी भी प्रकार की स्पीकर की ग्रिल आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। पीछे आपको मैनुअल ही विंडो रोलिंग दी जाती है और किसी भी प्रकार का आपको सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं दिया गया है। यह इसका लीवर है, यहाँ पे कुछ स्पेस है और बाकी सब हार्ड प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात की जाए तो अच्छी है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बेहतरीन प्लास्टिक यूज़ किया गया है। सीट की बात करें तो सबसे पहले हम इसका थाई स्पोर्ट देखते हैं। थाई स्पोर्ट की बात करें तो थाई स्पोर्ट ठीक है, अच्छा है, और सीट जो है ना वो थोड़ी ऐसे बेंच टाइप है, सीधी सीट है ताकि इसमें आप आराम से 2 या 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बीच में से सीट कहीं से भी उठी हुई नहीं है, ना किसी भी प्रकार का आपको आर्म रेस्ट मिलता है। चलिए बैठ के इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर स्पेस कैसा है। इसके अंदर हम बैठ जाते हैं। ये आगे की सीट जो है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट मैंने की हुई है, मेरी हाइट जो है 5'7" है। और ये देखिए नी रूम, बेहतरीन नी रूम आपको इसके अंदर मिल जाता है। लेग रूम की बात करें तो लेग रूम भी आपको बेहतर मिलता है क्योंकि ये जो सीट है ये थोड़ी सी ऐसे उठी हुई है।
हम्प की बात की जाए तो हम्प आपकी आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं है या बहुत ज़्यादा है, थोड़ा है आपका काम इसके अंदर चल जाएगा। हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम भी आपको इसके अंदर ठीक ठाक से मिल जाता है। इस तरफ की बात की जाए तो इस तरफ भी आपको वही सब चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर आपको एक ग्रे पैंडल मिलता है। ऊपर किसी भी प्रकार के आपके कोई सनरूफ वगैरह या किसी भी प्रकार की लाइटिंग नहीं दी गई है। बीच के अंदर लाइटिंग आपको वहाँ पे सामने मिलती है जो कि वहाँ पर दी गई है। डैशबोर्ड मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मटेरियल क्वालिटी भी अच्छी है, फिट एंड फिनिश भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ये सब चीज़ें आगे चलकर दिखाता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं फ्रंट डोर की। फ्रंट डोर जो है वो भी आपको, इसका भी जो हैंडल है वो भी आपको मैट फिनिश में दिया गया है। डोर ट्रिम की बात की जाए तो डोर ट्रिम में आपको आपको यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल दी गई है जिसके, और ये आपको यहाँ पर वाटर होल्डर मिलता है, यहाँ पर कुछ स्पेस मिलती है, यहाँ पर भी स्पेस मिलता है। ये और ORVM के कंट्रोल है जो कि मैनुअल ही है, और ये आपको कुछ डोर ट्रिम मिलती है। डोर ओपनिंग की बात की जाए तो काफ़ी वाइड है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री ओपन हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 90 डिग्री ओपन हो जाता है। बात करते हैं हम ड्राइवर सीट की, ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, ये इसका रिक्लाइन एंगल है और आप इसे आगे और पीछे भी कर सकते हैं, दो तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। थाई स्पोर्ट की बात की जाए तो थाई स्पोर्ट हम देख लेते हैं, थाई स्पोर्ट काफ़ी बेहतर है ड्राइविंग सीट, और ये आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। चलिए बात करते हैं इसके अंदर बैठ कर और देखते हैं इसके अंदर आपको और क्या कंफर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में आपको जो सेंटर कंसोल है इसके अंदर ही आपको ना इसका जो मीटर है वो दिया गया है। मीटर आपको वही मिलता है सेम जो आपको अल्टो में दिया गया था, वो आपको मैं कुछ देर में दिखाता हूँ। ये आपको इसके अंदर ग्लव बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलती है, यहाँ पर आपको एसी वेंट भी दिए गए हैं। ये आपको मीटर दिया गया है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है जिसके अंदर आपको दो स्पीकर दिए जाते हैं, जो VXI जो प्लस होता है वेरिएंट जो है उसके अंदर आपको चार स्पीकर दिए गए हैं। इसके अंदर आपको दो दिए गए हैं, एक आपको यहाँ पे मिलता है, एक आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दी गई है, ये आपको हेडलाइट के बटन दिए गए हैं और इस तरफ आपको एसी वेंट मिलता है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के आपको बटन नहीं दिए गए हैं। ये इसका एसी है जो कि मैनुअल है, और ये इसका 12 वोल्ट का सॉकेट है जिसके अंदर आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको दो वाटर होल्डर दिए गए हैं। ये इसका है गियर लीवर और यहाँ पर आपको मिलता है हैंड ब्रेक, यहाँ पर आपको कोई भी तरीके का स्पेस नहीं दिया गया। वैसे तो स्पेस है लेकिन आप कोई चीज़ इसमें रख नहीं सकते, आर्मरेस्ट इसमें आपको नहीं मिलता है। और चलिए अब इससे करते हैं हम गाड़ी को स्टार्ट और बाकी बातें बाद में। चाबी लगाने के लिए यहाँ पर आपको जगह दी गई है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है और ये इसका फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर है जिसके अंदर आपको किस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये इसका इस तरफ बटन मिल जाता है जिसके अंदर आपको फ्यूल के बारे में बता दिया जाता है और टाइम टेम्परेचर ये सब आपको इसके अंदर दी जाती है। ये इसका IRVM है और इसके अंदर इस तरफ आपको किसी भी प्रकार का मिरर नहीं मिलता है और ना ही इस तरफ आपको कोई मिरर मिलता है। ये इसकी लाइट दी गई है जो कि हेलोजन है। ये आपको ग्रैप हैंडल इस तरफ मिलता है, इस तरफ आपको ग्रैप हैंडल नहीं दिया गया है जो कि जाहिर सी बात है ड्राइवर साइड आपको ग्रैप हैंडल नहीं मिलता है। ये इसके 3 पेडल हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, वेल्ड कवर है अच्छी तरीके से, कोई चीज़ ओपनिंग नहीं है किसी प्रकार की। चलिए इसे ड्राइव पर लेकर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर चलाने में क्या एक्सपीरियंस होता है। चलिए इसे करते हैं हम स्टार्ट। स्टार्ट करने पर इंजन नॉइज की बात की जाए तो केबिन के अंदर इंजन नॉइज बहुत कम आती है और बाकी जो है नॉइज थोड़ी बहुत आती है। वाइब्रेशन की बात की जाए तो हाँ थोड़ी बहुत है, हैंडल पर है, लीवर पर नहीं है, गियर लीवर पर बिल्कुल भी नहीं है। और चलिए हम अब से चलते हैं। चलाने की भी बात की जाए तो काफ़ी स्मूथ है, इसका गेयरबॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है, गियर लीवर काफ़ी स्मूथ है। और हैंडलिंग की बात की जाए तो थोड़ा स्टिप लग रहा है क्योंकि ये इसे SUV टाइप बनाया गया है, तो थोड़ा स्टिप लगने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। राइड क्वालिटी की बात की जाए तो अच्छी है, आपको बोनेट के दोनों एजेस दिखते हैं अच्छे तरीके से, आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं होगा कि आपको किसी भी बोनेट का एज नहीं दिख रहा है या आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो गाड़ी में कि आपको गाड़ी के को किस तरह से मोड़ना है या चलाना है, क्योंकि बोनेट के जो एजेस आपको अच्छे तरीके से इसमें दिखा देते हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन इसके अच्छे हैं क्योंकि इसे SUV बनाया गया है, SUV टाइप बनाया गया है,
तो सस्पेंशन जो है इसके बहुत ही बेहतरीन है। और टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो वो भी इसका, क्योंकि छोटी गाड़ी है तो टर्निंग रेडियस भी इसका कम ही है। हैंडलिंग भी काफ़ी इसकी स्मूथ है। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो VXI सेकंड टॉप मॉडल है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छा बुरा हर चीज़ आपको मैंने बताई है। कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।